अगर तुम एक बाइकर हो तो तुमने कभी ना कभी तो इस बाइक को देखा ही होगा। हाँ, तुम सही सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ होंडा CBR 250RR के बारे में। बाय द वे, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं इस बाइक के बारे में कि कितना बढ़िया बाइक था, और कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि यार काश होंडा CBR 250RR इंडिया में लॉन्च होता। काफी सारे इंडियन इस बाइक को टू व्हीलर मार्केट में देखना चाहते हैं, और इसका भी रीजन है, बाइक काफी बढ़िया लुक के साथ आता है और काफी सारे फीचर इसमें देखने को मिलता है। इवन ट्विन सिलेंडर के साथ ये बाइक देखने को मिलता है, तो समझ सकते हो इसमें कितना ज्यादा पावर देखने को मिलता है। सो यही कुछ रीजन के वजह से लोग इंडियन टू व्हीलर मार्केट में इस बाइक को देखना चाहते हैं। बेसिकली आज का टॉपिक यही होने वाला है कि क्यों होंडा CBR 250RR इंडिया में लॉन्च नहीं होता, या क्या रीजन हो सकता है जो होंडा CBR 250RR को लॉन्च नहीं करता इंडिया में। और भी बातें करेंगे कि ये बाइक अगर लॉन्च होता है इंडिया में तो इसके कॉम्पिटिशन में हमें कौन सा बाइक देखने को मिलता है। इवन बात करेंगे कि होंडा CBR 250RR के फीचर्स के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे इन फीचर इंडिया में होंडा CBR 250RR को लॉन्च करवाता है तो क्या प्राइस होने वाला है। तो जल्दी जल्दी करते हैं वीडियो को शुरू। इन मार्च 2011 होंडा CBR 250RR को इंडिया में लॉन्च करता है। इट क्विकली जनरेट पॉपुलैरिटी एमंग मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट इन द कंट्री फॉर इट्स स्पोर्टी डिजाइन एंड परफॉर्मेंस। और उस टाइम में इसके अराउंड हमें कोई भी बाइक कॉम्पिटिशन में देखने को नहीं मिलता था। अभी आप लोग ये भी बोल सकते हो कि बात तो होंडा CBR 250RR के बारे में था, क्योंकि ओल्ड वर्जन के बारे में बात कर रहे हो। सो बेसिकली आज जो भी लोग होंडा CBR 250RR के बारे में जानते हैं या इस बाइक को प्यार करते हैं, तो अगर ओल्ड वर्जन 250R लॉन्च नहीं होता इंडिया में तो शायद आज ये हाइप नहीं होता। तो अभी बात करेंगे CBR 250RR के पावर फिगर के बारे में। इसमें हमें 40.2 BHP का पावर, 25.5 NM का टॉर्क देखने को मिलता है। और बताना चाहता हूँ कि इस बाइक के बारे में मैंने काफी सारा सर्च किया है, और मुझे मालूम चला कि इस बार होंडा CBR 250RR को और भी पावरफुल बनाएगा, और देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी अपडेट मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो अभी सीधा मुद्दे पे आते हैं कि क्यों इंडिया में हमें होंडा CBR 250RR नहीं देखने को मिलता है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। देखा जाए तो काफी सारे रीजन हो सकता है जिस कारण होंडा CBR 250RR को इंडिया में लॉन्च नहीं करता, और मेन जो मेजर रीजन हो सकता है वो है कॉम्पिटिशन। देखा जाए तो अभी के टाइम में और भी काफी सारे बाइक्स है जो होंडा के कॉम्पिटिशन में काफी बढ़िया बाइक है देखने को मिलता है, और ये भी एक मेजर रीजन हो सकता है कि प्राइस 3,75,000 और लगभग इंडिया में आते आते 3,90,000 तक जा सकता है। क्या ही फायदा होगा इसको लेने का, एट द एंड काफी प्राइस हाई चला जाता है, तो इसके लिए लोग इसको ज्यादा लेंगे भी नहीं। तो अगर ये कभी भी इंडिया में आता है तो एट द एंड फ्लॉप हो जाएगा मार्केट में, होंडा अपना बेइज्जती करना नहीं चाहता। तो यही कुछ रीजन के वजह से होंडा CBR 250RR को लॉन्च नहीं करता इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। सो आशा करता हूँ कि वीडियो देख के आप लोगों को समझ में आया। वीडियो अगर समझ में आया तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर देना, और वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।